दिल से बुलाए मां सुकुमार आया। तो आज हमारे दोस्त न्यूक्लियोफिलिक सबस्टी ट्यूसर रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन, तो वो खास रिएक्शन जिसका शुरुआत न्यूक्लियोफाइल करता है उसको न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन बोला जाता है। तो न्यूक्लियो का मतलब दोस्त न्यूक्लियस होता है और फिलिक का मतलब लविंग होता है। तो जिस तरह दोस्त लड़की से लव करना प्यार कहलाता है, उसी तरह जब न्यूक्लियस भी लव करता है तो उसको न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। सबस्टिट्यूशन का मतलब दोस्त रिप्लेसमेंट हो गया, एक गर्लफ्रेंड का आना और दूसरी गर्लफ्रेंड का जाना, इसको रिप्लेसमेंट ऑफ गर्लफ्रेंड बोलते हैं। तो एक एटम का आना और दूसरे एटम का जाना, इसको रिप्लेसमेंट ऑफ एटम बोलते हैं। तो रिप्लेसमेंट ऑफ एटम को सबस्टिट्यूशन बोला जाता है। तो रिएक्शन हमारा दोस्त न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन। तो सबसे पहले दोस्त हम लोग इसका डेफिनेशन लिखेंगे। तो डेफिनेशन हमारा है सच टाइप ऑफ रिएक्शन विच आर इनिशिएटेड बाय न्यूक्लियोफाइल आर नोन एज न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन। देखिए दोस्त बोलता है एक ऐसा रिएक्शन जिसका शुरुआत न्यूक्लियोफाइल के द्वारा होता हो तो वह कहलाता है न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन। तो रिएक्शन का मतलब दोस्त रिएक्टेंट से रिएक्टेंट का प्रोडक्ट बनना कहलाता है। तो जिस तरह दोस्त लड़की लोग बदल जाती है उसी तरह रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदल जाता है और रिएक्शन कहलाता है। पॉइंट नंबर टू, इट टेक्स प्लेस इन अल्काइल हैलाइड ईथर एंड कार्बोक्जिलिक एसिड। तो न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन होता है अल्काइल हैलाइड में, ईथर में, कार्बोक्सिलिक एसिड में। अब हम लोग दोस्त एग्जाम्पल पढ़ेंगे। तो एग्जाम्पल है हमारा दोस्त CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड Cl और रिएजेंट के रूप में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लिया गया है और कैटलिस्ट के रूप में हीट लिया गया है।
पोटेशियम मेटल है, तो मेटल इलेक्ट्रॉन को लूज किया, तो पोटेशियम के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया। ऑक्सीजन नॉन मेटल है, तो नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, तो ऑक्सीजन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया। कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू 2.5 होता है, और क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू 3 होता है, तो क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू ज्यादा है कार्बन से, तो क्लोरीन कार्बन के इलेक्ट्रॉन को छीन लेता है। तो क्लोरीन के मुंडी पर एरो का हेड आया है, तो क्लोरीन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया, और एरो का टेल कार्बन के पास गया है, तो कार्बन के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर गया। तो जिस तरह दोस्त बेबी को बेस पसंद है, उसी तरह मेटल को नॉन मेटल पसंद है, तो पोटेशियम आयन क्लोराइड आयन को लेके भाग गया, तो बाय प्रोडक्ट के रूप में KCl बन गया। KCl को प्यार से पोटेशियम क्लोराइड बोलते हैं। अब CH3 सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पर लिख दिए दोस्त CH3 सिंगल बॉन्ड। फिर आगे बढ़े तो CH2 था, तो यहाँ पर CH2 लिख दिए। अब ये पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज आपस में जुड़कर बॉन्ड बना लिया। अब देखिए दोस्त, ये नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को देख के गाना गाता है। ये नेगेटिव चार्ज बोलता है कि मैं कब से हूं। ये नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को देख के गाना गाता है। ये नेगेटिव चार्ज बोलता है कि मैं कब से हूं सैया रेडी तैयार, चिपका ले मुझे फेविकॉल से। तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव आपस में जुड़कर बॉन्ड बना लिया, और हाइड्रोक्सी ग्रुप के लिए हाइड्रोक्सी ग्रुप जोड़ दिए। यहाँ पर इथाइल ग्रुप था तो इथाइल ग्रुप लिख दिए। तो दो कार्बन के लिए रूट वर्ड हो गया इथ। खाली बॉन्ड के लिए कॉमन नेम में YL होता है, और CL को कॉमन नेम में क्लोराइड बोलते हैं। तो जिस तरह दोस्त बॉयज और गर्ल्स के बीच थोड़ा सा गैप होता है, उसी तरह इथाइल और क्लोराइड के बीच थोड़ा सा गैप देंगे। दो कार्बन के लिए रूट वर्ड हो गया इथ। खाली बॉन्ड के लिए कॉमन नेम में YA लिख दिए। हाइड्रोक्सी फंक्शनल ग्रुप को कॉमन नेम में अल्कोहल बोलते हैं। तो जिस तरह दोस्त बॉयज और गर्ल्स के बीच थोड़ा सा गैप होता है, उसी तरह इथाइल और अल्कोहल के बीच थोड़ा सा गैप देंगे। तो जब इथाइल क्लोराइड प्रतिक्रिया करता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ हीट की उपस्थिति में, तब मेन प्रोडक्ट के रूप में इथाइल अल्कोहल बनाता है, और बाय प्रोडक्ट के रूप में पोटेशियम क्लोराइड का फॉर्मेशन करता है। तो रिएक्शन का शुरुआत दोस्त न्यूक्लियोफाइल कर रहा है, तो एक न्यूक्लियोफाइल आ रहा है और दूसरा न्यूक्लियोफाइल जा रहा है, तो होने वाले रिएक्शन को न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं। तो चीते की चाल, बाज की नजर और हिमांशु कुमार के कैलकुलेशन कभी शक नहीं करना।